हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से विषय गणित कार्यपत्रक नंबर 29 तिथि 18 अक्टूबर 2021 के लिए कक्षा 6 की ये वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कोण का परिचय। दो किरणों के मध्य की आकृति कोण कहलाती है। ये दो किरण है हमारी और इनके बीच की जो आकृति है उसको हम क्या बोलते हैं, कोण। एक कोण का निर्माण तब होता है जब दो रेखाएं अथवा किरण अथवा रेखाखंड एक दूसरे को मिलती हैं। तो कोण कब मिलेगा, जब भी हमारी कोई भी दो रेखाएं या कोई भी दो किरण या दो रेखाखंड आपस में मिलेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी, तो हमारा कोण बनता है। कोण को हम इससे द्वारा दर्शाया जाता है, तो इस सिंबल से हम कोण को दर्शाते हैं। चित्र में कोण एंगल ए ओ बी अथवा एंगल बी ओ ए है, तो यहाँ पर क्या है, इस कोण का नाम क्या है, ए ओ बी या बी ओ ए, ठीक है। अब हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के कोण। तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के कोण कौन कौन से हैं, माप के आधार पर विभिन्न प्रकार के कोण हैं। अगर माप के आधार पर बात की जाए तो कौन कौन से प्रकार के कोण होते हैं। पहला होता है न्यून कोण, 90 डिग्री से कम का कोण। न्यून कोण कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से कम का होता है। दूसरा होता है समकोण, समकोण ऐसा कोण जो 90 डिग्री का होता है, जो कोण 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं समकोण। तीसरा होता है अधिक कोण, अधिक कोण कौन सा होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। तो जो 90 से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा वो होगा अधिक कोण। और चौथा होता है ऋजु कोण, ऋजु कोण कौन सा होता है, जो 180 डिग्री का कोण ऋजु कोण कहलाता है। तो कितने डिग्री का होता है, 180 का। तो देखो यहाँ से देख लेते हैं, ये इस तरीके से, ये 90 से कम है तो इसलिए कौन सा कोण हुआ, न्यून। ये पूरा समकोण है, 90 डिग्री का है तो इसलिए कैसा है, समकोण। अब ये 90 से ज़्यादा है तो इसलिए कैसा कोण होगा, अधिक कोण। और ये पूरा 180 डिग्री का है तो इसलिए कैसा कोण है, ऋजु कोण। अब हम देखते हैं आओ करें, हमें प्रश्न देख दिए हुए हैं वो देखते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान करें। तो ये हमें कोण के माप दिए हुए हैं और उन कोण का प्रकार पूछा गया है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कौन सा होता है, ऋजु कोण, तो इसको हमने बी से मिलाया। दूसरा होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होता है, समकोण, तो इसको हमने सी से मिलाया। तीसरा क्या होता है, 135 डिग्री। अब ये 90 से ज़्यादा और 180 से कम है तो ये कौन सा कोण हुआ, अधिक कोण, इसलिए डी से मिलाया। और चौथा है 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से कम है तो इसलिए कौन सा हुआ, न्यून कोण, तो इसको हमने ए से मिलाया। अगला प्रश्न है कुछ कोणों की माप नीचे दी गई है। अब हमें कुछ कोण है और उनकी माप दी गई है, तो प्रत्येक कोण के प्रकार लिखे, तो हमें हर कोण का प्रकार बताना है। जैसे पहला 75 डिग्री है। अब 75 डिग्री 90 से कम है तो यानी कि ये किस तरह का कोण हुआ, न्यून कोण। अभी 115 डिग्री है, अभी 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है तो ये कैसा हुआ, अधिक कोण। तो इसको आप ठीक कर लेना, ये अधिक ही लिखा हुआ है, ये अधिक होगा, अधिक कोण, ठीक है, इस तरीके से ठीक कर लेना आप इसकी स्पेलिंग। फिर ये 140 डिग्री, ये भी फिर 90 से ज़्यादा और 180 से कम तो ये भी कैसा हुआ, अधिक कोण। फिर ये 20 डिग्री है, ये 90 डिग्री से कम है तो ये कैसा हुआ, न्यून कोण। अब ये पूरा 180 डिग्री है तो ये क्या हुआ, ऋजु कोण। अब 120 डिग्री है, अब ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 से कम है तो ये भी कैसा हुआ, अधिक कोण। तो इस तरीके से हम ये सारे कोण लिख लेंगे। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है। तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।